कम ऑन, वैसे भी एक एक करके सबको पता चल ही रहे, इससे अच्छा एक साथ ही सबको बता देते हैं ना, टाइम भी बचेगा और मुझे बार बार सबको एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा। हिम्मत नहीं हो रही ना, नंदिनी की भी नहीं हुई थी। एनीवेज एक बात बताओ, तुमने आज तक कभी भी अपनी माँ और पापा के बीच में वो प्यार देखा या फील किया है जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है? अरे रे, जब प्यार है ही नहीं तो फिर देखोगे कैसे? वो दोनों साथ में सिर्फ तुम बच्चों की वजह से हैं। तुम्हारी माँ के साथ रहना तुम्हारे पापा की मजबूरी है, लेकिन उनकी खुशी मेरे साथ है। कल हमारी शादी है और ये शादी हर हाल में होके रहेगी। तुम्हें चीखना है, चिल्लाना है, जो करना है तुम करो, तुम हमारी शादी तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ अपने पापा के बेस्ट मैन बन के जरूर आ सकते हो। यू आर मोर देन वेलकम। और अगर नहीं आना चाहते हो तो मत आना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। नाउ गेट आउट। आई सेड गेट आउट। वनराज, आज के दिन तो फोन छोड़ के हमारे साथ बैठ। उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है अभी। अरे उस दिन उसने शादी की रिसीट देख ली थी। पता नहीं आपको पता है या नहीं, तोशु को सब पता चल चुका है। मैंने कहा था ना आपसे, सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। आज तोशु को पता चला है, कल पूरी फैमिली को पता चल जाएगा, तब क्या करेंगे आप? I'll handle it. वो ही आपके लिए अच्छा होगा, वरना पूरे घर को चलाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफी होती है। यहाँ पे भाभी के साथ बैठिए, चलिए। समर, अच्छे फोटोज लो भाई और भाभी के। चल। आज ये हल्दी और संगीत का फंक्शन कितना अच्छा हुआ ने? मुझे पूरा विश्वास है कि कल शादी भी बहुत अच्छी होगी, ऐसी जिसे हम जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या कर रही है? मैं कर लूंगी ना। मैं कर रही हूं ना, तू चिल कर। इतनी चिंता है मेरी? हाँ, क्योंकि तू अपनी फिक्र तो करती नहीं, तो किसी को तो करनी पड़ेगी ना। हाय। अच्छा सुन। हाँ? मैं क्या सोच रही थी। क्या? सुहागरात के लिए कमरा सजा दूं या होटल का रूम बुक कर दूं? तू पागल थे कच्चे, कुछ भी बोलती है। ये देख, पागल मैं है या तू? 42 की होके भी कैसे 16 की तरह शर्मा रही है लड़कियों की तरह। तू 42 की उम्र में देख कैसे बात कर रही है जैसे सब नॉर्मल नॉर्मल लड़कियां ऐसी बातें करती हैं, जो तू तो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। एक काम करती हूँ यार, तेरा कमरा ना मैं सजाऊंगी, ऐसा सजाऊंगी कि तू देखेगी ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे, और साथ में कमरे में मैं आऊंगी, जीजा जी की बैंड जो बजानी। मेरा मतलब नेक, जब तक नेक नहीं देंगे अंदर तो आने नहीं दूंगी मैं उन्हें। अच्छा सुन, इनको ज्यादा परेशान मत करना। अच्छा जी, शादी हुई नहीं अभी तक?
और अभी से उनकी वकालत शुरू हो गई। नहीं एक्चुअली बेस्ट है, सुन क्या करते ना, क्या मैं तुझे आज परेशान करती हूँ, तो चीचा जी ना तुझे कल परेशान करेगा। क्या होगा पापा? हाँ तोशु, तू एक सच तो जान गया है, पर एक सच तुझे और जानना है। बच्चे बाप की गलती पकड़ भी लें तो सजा नहीं दे पाते, क्योंकि बाप बाप होता है। नीचे काफी लाउड हो रहा था ना, चाय पिएगा? तेरी मम्मी को बोलो। क्या हुआ तोशु, तू इतना परेशान क्यों? क्या आप और काव्या का अफेयर चल रहा है? क्या आप दोनों कल शादी करने वाले? पापा मैंने मंदिर के रजिस्टर में खुद आप दोनों का नाम अपनी आंखों से देखा है, और काव्या ने भी मुझसे कन्फेस किया। पर पापा अगर आप बोल देंगे कि ये सब झूठ है, मैं मान जाऊंगा पापा। आई स्वेयर मैं मान जाऊंगा। प्लीज प्लीज एक बार बोल दीजिए पापा कि ये सब झूठ। वनराज शाह की जिंदगी में सब कुछ आधा है, खुशी, सच, झूठ, सब कुछ। मतलब कि ये बात झूठ है, लेकिन आधी मेरा और काव्या का अफेयर था। मेरी और तुम्हारी मम्मी की अरेंज मैरिज हुई थी। हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था, ना एजुकेशन, ना बैकग्राउंड, ना हॉबीज। वो वक्त अलग था, तब बेटे बाप से सवाल नहीं पूछा करते, मैंने भी नहीं पूछा। बापूजी ने रिश्ता किया और मैंने वो रिश्ता निभाया, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन जिंदगी में सिर्फ जिम्मेदारियां ही सब कुछ नहीं होती दोस्तों। जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए कोई बात करने वाला चाहिए, कोई समझने वाला चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो आपके लेवल पे बात कर सके। और काव्या वैसी थी। आई एम नॉट प्राउड टू से दिस, पर जो सच है वो तो है ना तुषु, मेरा और काव्या का अफेयर हो गया था। आपके कुछ भी कह देने से आपका ये अफेयर जस्टिफाई नहीं हो जाता है पापा। माना कि आप और मम्मी अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अफेयर कर लेंगे। मम्मी भी तो आपसे अलग है, उन्होंने तो कभी अफेयर नहीं किया पापा। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, कन्फेशन कर रहा हूं। बचपन में तू मेरे सामने गलती मानता था, आज मैं तेरे सामने अपनी गलती मान रहा हूं। मैंने अफेयर कर तो लिया था, लेकिन इस गिल्ट से मेरा जीना मुश्किल हो रहा था। ये सोचकर कि कभी सच सामने आया तो मैं अनुपमा को, मां बापूजी को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुझे क्या जवाब दूंगा? बचपन में मैं तेरा हीरो था और हीरो ही बन के रहना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी गलती सुधार ली। I step back. मैंने ब्रेकअप कर लिया ताकि मैं तेरी नजरों में ना गिरूं। ठोकर बहुत पहले खाई थी, लेकिन गिर आज गया मैं। पापा आपने ये बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। अरे मैं अपने सपने में भी कभी किंजल के साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता हूँ। पापा माना कि कपल्स के बीच में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, गुस्सा होते हैं, वो एक दूसरे से नाराजगी होती है, मगर वो दोनों के बीच में होती है, उसमें कोई तीसरा नहीं आ जाता है पापा। और अगर तीसरा आ जाता है तो वो गलती नहीं होती है पापा, वो गुनाह होता है। दैट्स अ क्राइम, धोखा। मुझे इसी बात का डर था
कि एक दिन तू मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा। इसीलिए मैंने काव्या के साथ ब्रेकअप किया था, इसीलिए मैं पीछे हटा। लेकिन आज समझ में आया कि पीछे हटने से कदम के निशान नहीं मिलते। गलती चाहे कल की हो या आज, सजा जरूर मिलती है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया था तो ये सब क्या है पापा? दोषु मैं पीछे हटा था क्योंकि मैं खुद से ज्यादा अपनी फैमिली से प्यार करता हूं, लेकिन काव्या अकेली है, डिवोर्स से गुजर रही है। ऐसे में आदमी एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढने की कोशिश करता है, काव्या भी वही कर रही है, सच को मानने से इनकार कर रही है। किस सच को? यही सच कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, अनुपमा से प्यार करता हूं, तुझसे प्यार करता हूं, और तुम लोगों के बिना मैं नहीं रह सकता। काव्या ने जिद पकड़ ली है। तो पापा अगर काव्या ने जिद पकड़ ली तो आप उसकी जिद पूरी थोड़ी करेंगे? तो क्या करूं मैं? अनुपमा को सच बता दूं? अपने बेटे की नजरों में तो गिर ही गया हूं, उसकी नजरों में भी गिर जाऊं? काव्या बुरी लड़की नहीं है, वो बहुत इनसिक्योर है, और अगर इस इनसिक्योरिटी में उसने अनुपमा को सच बता दिया तो अनुपमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसे वो सजा मिलेगी जो गलती उसने की नहीं, एक ऐसी गलती जो पास्ट है, जिसका आज कोई रेलेवेंस नहीं है। तू खुद सोच तो शु, अगर ऐसा होता तो क्या मैं तेरी मम्मी को प्रपोज करता फिर से? क्या उनसे दोबारा शादी करता मैं? मेरी खुशी मेरी फैमिली है, मेरी अनुपमा मेरी खुशी है, जब मैंने काव्या के साथ ब्रेकअप किया तो रोने लगी, कहने लगी शी वॉन्ट्स मी इन हर लाइफ, चाहे एक दोस्त की तरह सही। मैंने उसकी बात मान ली, और इतने सालों से वो सिर्फ मेरी एक दोस्त थी, एटलीस्ट फॉर मी, बट किसी के दिमाग में क्या चल रहा है कौन बता सकता है। जब उसने वो 25th वेडिंग एनिवर्सरी वाली बात सुनी तो पागल हो गई, कहने लगी उसे मुझसे शादी करनी है, वो भी उसी दिन। मैंने साफ मना कर दिया, मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूं? अरे मैं शादीशुदा हूं, फॉर गॉड सेक, मेरे 3 बच्चे हैं। गलती सालों पहले हुई थी, पर माफी आज मांग रहा हूं। आई एम सॉरी तोशु, और अपने गुस्से में कहीं अपनी मां को हर्ट मत कर बैठना। सच बताकर मेरा दिल तो हल्का हो जाएगा, लेकिन तेरी मां का दिल टूट जाएगा। मैं इस गिल्ट के साथ जी सकता हूं, दिल दिल करके मर सकता हूं, लेकिन अनुपमा का दिल नहीं तोड़ सकता मैं। पापा, पापा। सॉरी तोशु, सच को छुपाने के लिए झूठ बोलना ही पड़ता है बेटा। लगता है तोशु भी अपने पापा के पास ही है, पापा की तुम कहीं का। हेलो वे, तोशु से बात हुई? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? एवरीथिंग इज ओके राइट? नहीं, मैंने सब हैंडल कर लिया। थैंक गॉड, मैं जानती थी कि तुम सब हैंडल कर लोगे। हाँ, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, बी केयरफुल। ओके ठीक है। ये एक बात पूछूं? कल से तो तुम मेरे पति बन जाओगे, तो एज अ बॉयफ्रेंड आज का लास्ट डे कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा है अभी। रिश्ता तो इतने सालों से है, मगर आप उस रिश्ते को एक नाम मिलने वाला है। प्यार क्या होता है ये मैंने तुमसे मिलने के बाद सीखा है, और शादी क्या होती है ये तुम्हारी बनने के बाद सीखूंगी। फिर थैंक्स फॉर कमिंग इन माय लाइफ। थैंक्स टू यू टू। अच्छा, डोंट फॉरगेट, हमारी शादी का टाइम 8 बजे का है,
तो प्लीज उसे थोड़ी देर पहले मंदिर आ जाना होगी। 8:30 बजे से शादी की सारी रस्में शुरू हो जाएगी। पंडित जी का फोन आया था, वो 8 बजे पहुंच जाएंगे घर। और आप वो भैलू को भी याद दिला देना कि सुबह जल्दी उठना है। हेलो भाई, तुम सुन रहे हो? और वनराज, तू कल शादी तक घर से बाहर नहीं निकलेगा, पता है ना? हल्दी लगने के बाद दूल्हा दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलते। वी, मंदिर 8 बजे से पहले पहुंच जाना। ओके। I'll see you tomorrow, my would-be husband. 8 बजे से पहले मंदिर पहुंचना है और 8:30 बजे घर में शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। ऊपर से बा ने कह दिया है कि घर से बाहर नहीं निकलना। How will I manage? जाने। ये चाय रूम में ले आओ। क्या करें आप? वही जो पहली शादी के वक्त नहीं किया था। मैं सोचता था कि पहले कभी जिंदगी ने मौका नहीं दिया, लेकिन अब ये समझ में आया है कि ये मौका मिलता नहीं, इसे चुराया जाता है। वैसे एक चीज है जो पिछले 25 सालों में नहीं बदली। क्या? मेरा बॉस। हाँ, कल सुबह भी उसने मुझे ऑफिस बुला लिया। ऑफिस कल? हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ। सुबह 8 बजे तक पहुंचना है, बट डोंट वरी, 9 बजे तक वापस आ जाऊंगा मैं। पर आई नो अनुपमा, मैं भी ऑफिस नहीं जाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ? अब बॉस को मना करूंगा और ये कहूंगा कि मैं दोबारा शादी कर रहा हूँ तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, और अगर मीटिंग के लिए मना कर दिया तो हो सकता है वो अपनी ईगो पे ले ले। मेरी नौकरी का सवाल है ना? पर तुम चिंता मत करो, मैं 9 बजे वापस आ जाऊंगा, ठीक है? घंटे तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम समझ सकती हो, बा नहीं समझेगी। बा को बता नहीं सकता और तुमसे मैं सच छुपा नहीं सकता। मतलब आप चाहते हैं कि मैं बा से झूठ बोलूं? नहीं नहीं, झूठ मत बोलो, बस उन्हें सच नहीं बताना है। अच्छा ठीक है, मैं बॉस को फोन करके मना कर देता हूँ। मेरे लिए ये मीटिंग तुम्हारी खुशी से ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बॉस मुझे डांटेगा, चिल्लाएगा, सुन लेंगे। करता हूँ मना। सुन, नहीं, आप कल ऑफिस जाइए, मैं बा को संभालूंगी। पक्का? तुम कितनी अच्छी हो अनुपमा, और बहुत भोली भी, जो अपने ही पति की दूसरी शादी में उसकी हेल्प करोगे। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।